जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। एक भाई मेरे साथ है जो कि कई परीक्षाओं के पेपर निकाल चुके हैं। तो कौन कौन से परीक्षा पेपर आपने निकाले? मैंने 3 बार SSC GD निकाला है। 3 बार? हाँ, 2017 से अभी भी निकला है और ग्रुप डी का भी है और उसका मतलब पुलिस का भी निकाला 2017 में। इस बार नहीं निकला पुलिस का। अच्छा। हाँ, और छोटे एग्जाम निकाले ना, बहुत मतलब बहुत सारे एग्जाम आपने निकाले। SSC के बहुत निकाले, MTS का भी निकाला मैंने। MTS का भी निकाला? हाँ। भाई तो अभी तक आप मतलब सिर्फ नहीं हुए मतलब लास्ट में रुक जाते ना किसी कागज के चक्कर में, किसी मेरिट में, मतलब बहुत डॉक्यूमेंट ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं ना। तीन अच्छा डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम। तो आपने इतने पेपर निकाले, कैसे पढ़ाई करते हैं ये बता दो? नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा रात में स्टडी करते हैं, दिन में सोते हैं। दिन में सोते हैं, रात में पढ़ते हैं? कितने बजे पढ़ते हैं भैया? रात को मतलब जैसे पढ़ाएँ 3-4 बजे तक पढ़ाएँ, फिर पूरे दिन सोएंगे, 12 बजे जाएंगे, फिर खाना पाना खा के फिर शाम को पढ़े। रात को कितने बजे से पढ़ते हैं? 4 बजे तक। 4 बजे तक फिर सोएंगे 10-11 बजे तक, फिर कोई डिस्टर्ब नहीं है। अच्छा, मतलब शांति में पढ़ना है? हाँ, शांति में पढ़ना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा, नोट वगैरह ये कैसे बनाते हैं? नोट्स तो अपने हाथ से बनाते हैं, कुछ यूट्यूब की मदद लेते हैं, कुछ जो बुकें आती हैं उसके हिसाब से मतलब। अच्छा, ये मैथ वगैरह कैसे कवर करते हैं? मैथ का तो एक ही बुक है, बार बार पढ़ते रहते हैं मतलब, तो उसमें फिर नॉर्मल हो जाता है मैथ। फिर सिलेक्शन जो भी क्वेश्चन आए उसे जल्दी तोड़ने की, वो ऑप्शन से सबसे बेस्ट तोड़ने की कोशिश। अच्छा, कौन सी बुक पढ़ते हैं? अभी तो मेरे पास क्रेड की भी है, अग्रवाल भी है, राकेश यादव की है, भैया शास्त्री अत्तर। अच्छा, सभी हैं बुक। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं क्या? हाँ, ऑनलाइन लगाते हैं टेस्ट बुक पे। अच्छा, कैसे नंबर आते हैं जब आप लगाते हैं? सही नॉर्मल आते हैं, 80-90% के आते हैं मतलब। अच्छा, टाइम बहुत कम लगाते हैं उसमें भी, तो भी 1 घंटे, जैसे कोई पेपर है 2 घंटे का तो उसे 1.5 घंटे में कोशिश करते हैं तोड़ने की। हाँ। अच्छा, और मतलब कैसे पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? सही नॉर्मल पढ़ना चाहिए, ज़्यादा मतलब बखाव होकर नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसे का मतलब सिलेक्शन ही लेना है यह सोचना चाहिए। मेरा टारगेट है 6 महीने का, 1 साल का, तो उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए, फिर अपने आप पेपर निकलते जाएंगे। अच्छा, मतलब टारगेट रखना चाहिए? हाँ, वैसे मुझे 1 साल पढ़ना है, कोई पेपर नहीं देना है, मुझे नौकरी करनी नहीं है 1 साल तक, केवल पढ़ना है, फिर उसके बाद जो हो जाएगा फिर अपने आप सिलेक्शन होता रहेगा, फिर पता भी नहीं पड़ेगा कब पेपर देना है या नहीं देना है। अच्छा, बाकी लोग तैयारी करते हैं उनका नहीं निकलता, आप क्या क्या करना? स्टेशनरी लेना चाहिए, मतलब जैसे एडमिट कार्ड निकलने लगे उसके बाद नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, एडमिट कार्ड के बाद नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, एडमिट कार्ड निकलने लगे उसके बाद तो नॉर्मल जो करंट पर पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है। अच्छा, मतलब आपने जो पटवारी का पेपर एडमिट पर नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने जब पता पड़ गया उसके बाद तो मैंने किताब खोल के ही नहीं देखी, मुझे पता। ऐसा क्यों, ऐसा क्या रहा? मतलब स्ट्रेस हो जाता है, तुम यूट्यूब देखते हो मतलब के और क्वेश्चन देखते हो कि इस विषय के मतलब किसी लोगों के कि लोग बताते हैं क्वेश्चन आ रहा तो उसी में पढ़ने पर वो पूछने वाला तुमसे चालाक है, वो क्वेश्चन नहीं पूछता, वो दूसरे पूछता है। अच्छा, मतलब स्ट्रेस हो जाता है, इसी बात। और बाकी मतलब और कोई सी बुक पढ़ते हैं क्या? नहीं, और कोई सी बुक नहीं, मतलब जैसा है सबसे ज़्यादा यूट्यूब में लेते हैं जो मतलब वैसे है, और जो बुकें आ रही हैं मार्केट में वही है, मतलब उन्हीं पढ़ते रहते हैं बार बार। अच्छा, और कुछ नहीं, और एक सी है ना, मतलब 2-4 क्वेश्चन का अंतर आता है बस। अच्छा, आप लोग का बैकग्राउंड क्या था? मैथ्स बैकग्राउंड है, मतलब बहुत सारे पेपर निकाल चुके, आप गिनती कर सकते हैं क्या? नहीं, गिनती नहीं, अगर मैंने 10-12 पेपर निकाले, 10 से 12 पेपर निकाल चुके हैं, गिनती नहीं करता, तो सबकी फिजिकल भी सबका लगा रखा। अच्छा, अभी आपका करंट में कौन सा निकली है? अभी करंट में निकला है SSC GD का। SSC GD निकला और करंट में ग्रुप डी का आया, उसके मतलब कागज वेरीफिकेशन हो गए हैं उसके। वेरीफिकेशन हो गए, सिलेक्शन पक्का है। चलिए, और आप भाई बहनों से क्या था मतलब? ग्रुप डी का भी सिकंदराबाद से फिजिकल हुआ था 17 जनवरी को, उसके बाद अब वेरिफिकेशन हो गया, अब देखते हैं पोस्ट कहाँ मिलती है। चलिए, ये बताइए जो मेरे भाई बहन हैं वो कैसे पढ़ाई करें आपकी जैसे? नॉर्मल पढ़ना चाहिए, मतलब क्या ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे नौकरी लेनी है। अच्छा, मतलब ये पढ़ना चाहिए कि मुझे ज्ञान लेना है, और जो एक बार ज्ञान आ जाएगा तो वैकेंसी तो 6 महीने बाद निकलती हैं, तो वो ऐसे नहीं है मतलब 2 महीने पढ़ के वैकेंसी निकल जाए, ऐसे तो कोई नहीं है, मतलब पहले से पढ़ा होगा उन्हीं का सिलेक्शन होता है। मैंने जब स्टडी की थी मतलब 2017 से, तब से मैं 2-3 साल पढ़ा था, उसके बाद मैं ज़्यादा पढ़ता ही रहता हूँ, वैसे स्ट्रेस नहीं रहता कि मुझे पेपर है, मैं वैसे ही और नॉर्मल निकल जाता है पेपर। आज भी आपके 120 नंबर आए, जो 20 नंबर आए हैं जो मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे मतलब इसकी मतलब प्रिपरेशन नहीं करनी, मुझे पता ही नहीं था कि प्रिपरेशन नहीं करते जो कि आज कॉलेज में ही आई है। हाँ, यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया है आप। थैंक यू, धन्यवाद।